साइलेंस प्लीज। आवाज़ कहाँ से आ रही है? किनको? अच्छा कोई अंदर है तो वेट करते हैं ना दो मिनट। देखिए आपने बेशर्म रंग के दृश्य देखे होंगे, गाना काफ़ी वायरल हुआ है और हिंदुओं का बस एक ही प्रश्न है पठान के मेकर्स से, और वो प्रश्न ये है अपने फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए आपने हिंदुओं की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई? क्या ये ज़रूरी था कि बेशर्म रंग गाने में आप भगवा रंग का इस्तेमाल करें? क्या ये ज़रूरी था? नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम था कि ऐसा करने से गाना विवादित होगा, सुर्खियों में आएगा, खूब चर्चा बटोरेगा, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज आपके इस गाने को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो क्या ये पब्लिसिटी का नया तरीका है हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर? जो रंग, भगवा रंग हिंदुओं के लिए आस्था, विश्वास, श्रद्धा, शुद्धता का प्रतीक है, आप उस गाने को, उस रंग को दर्शा रहे हो एक ऐसे गाने में जिसका नाम आपने रखा बेशर्म रंग। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सही नहीं होगा, ये कहना सही नहीं होगा कि इस गाने को एक दूषित मानसिकता से फिल्माया गया? मेरे ख्याल से ये उचित होगा, ऐसा कहना उचित होगा, क्योंकि गाने के दृश्य को देखकर साफ समझ में आता है कि आपकी मानसिकता क्या है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप ऐसा काम किसी दूसरे मजहब के खिलाफ करते, अगर आप किसी दूसरे मजहब की आस्था को ठेस पहुंचाते, तो आपको क्या पता है उसका अंजाम क्या होता? आपको पता होगा, सर तन से जुदा, यही तो किया जाता है ना। इसलिए आपने ऐसा ना करके हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना ज़्यादा आसान सोचा, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जीवन का आदर करता है, सर तन से जुदा मानसिकता में विश्वास नहीं रखता है। तो मेरे ख्याल से वोक कम्युनिटी को अब जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है और अब हम इसे सहन नहीं करेंगे। इनफ इज इनफ। आप तत्काल अपने गाने से जिसका नाम है बेशर्म रंग, उन दृश्यों को हटाएं जिसमें भगवा रंग को दर्शाया गया है, उसके बाद आप इसे रिलीज करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे, पूरे भारत में करेंगे, क्योंकि कोई फिल्म किसी धर्म की आस्था से बढ़कर नहीं होती, कोई फिल्म किसी देश से बढ़कर नहीं होती है। बेशर्म रंग जी, देखिए आप भगवा रंग की बिकिनी पहने, भगवा रंग की साड़ी पहने, आप गाएं, नाचें, कूदें, झूमें, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन आप भगवा रंग को ऐसे गाने में दर्शाते हैं जिसका नाम आपने खुद रखा बेशर्म रंग, इसका क्या मतलब निकाला जाए? वोक कम्युनिटी के कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो संतरे का रंग है, ये क्या बात हुई? कल के दिन अगर हम हरे रंग का अपमान करके ये बोलें, अरे ये तो तोते का रंग है, तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे? हमें इस तरह की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। हरा रंग और केसर रंग, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग हैं, और भगवा रंग के क्या मायने हैं ये हम सब जानते हैं। हिंदुओं के लिए भगवा रंग आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है, और ऐसे में अगर सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए आप भगवा रंग का इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे गाने में जिसका नाम है बेशर्म रंग, तो इससे साफ समझ में आता है कि आपकी मानसिकता कितनी दूषित है। देखिए, मेरा निवेदन है शाहरुख खान जी से कि वो इस देश में तनाव पैदा ना करें। कानून व्यवस्था की जो ये है समस्या, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना करें। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी धर्म की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जानबूझकर हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था के साथ छेड़खानी की जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आगे अगर भगवान ना चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्यों क्यों तनाव पैदा किया जा रहा है भारत देश में? क्या मिलेगा? सुर्खियां पाने के लिए, हेडलाइंस ग्रैब करने के लिए, ये क्या बात हुई? मैं खंडन करती हूँ इस तरह की सोच को, इस तरह की पीआर एक्टिविटी को मैं खंडन करती हूँ। जी जी जी, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के जो चीफ हैं खाजी जी, खाजी अली जी, उन्होंने हाल ही में मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया कि वो पठान फिल्म का विरोध करते हैं और बहुत जल्द वो एक एफआईआर दर्ज करेंगे, एक शिकायत दर्ज करेंगे फिल्म पठान के ख़िलाफ़, और वो चाहेंगे कि पुलिस तत्काल एक एफआईआर दर्ज करे उनकी शिकायत के आधार पर। और वो ये भी कहते हैं कि शाहरुख खान जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर करें, पठानों को बदनाम ना करें, क्योंकि पठान, एक सच्चा पठान कभी भी किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता है। एक सच्चा पठान सभी धर्मों का आदर करता है। ये जो गाना है ये पठान की सभ्यता के खिलाफ है। चलिए जाते आते हैं, आप शाहरुख खान की टीम, बीआर टीम, हनी जी की टीम, सोशल मीडिया पर अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? जी, हाल ही में हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने कोलकाता में ये कहा कि सोशल मीडिया एक बहुत ही नेगेटिव, टॉक्सिक जगह बन गई है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, और कहा कि अब सिनेमा की दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी धीरे 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 कम होती जा रही है। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि वो फिल्मी दुनिया से बाहर निकलकर असल ज़िंदगी में आकर देखें कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। उदयपुर के एक हिंदू दर्जी की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई, गुजरात के किशन
किशन भरवाड जो एक गाय प्रेमी थे उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई। कर्नाटक के प्रवीण नेटरू और हर्षा जो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन के पक्ष में हिजाब का विरोध किए उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ कलाकारों के पास होनी चाहिए, आम इंसान के पास नहीं होनी चाहिए? ये कैसा इंसाफ है? और ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, ये दोहरे मापदंड क्यों? क्या बॉलीवुड भारत की जनता से बढ़कर है, देश से बढ़कर है? कतई नहीं। हम बॉलीवुड का बहिष्कार करते हैं, माँ भारत को हम ज़्यादा महत्व देते हैं बॉलीवुड से, माँ भारती ही हमारे लिए सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं अरे तुम तो बॉलीवुड आर्टिस्ट हो, अगर तुम बॉलीवुड का बहिष्कार करोगी तो कैसे चलेगा? बॉलीवुड की आर्टिस्ट बाद में हूँ, मैं पहले एक भारतीय हूँ। माँ भारती के प्रति मेरी वफादारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बॉलीवुड के पास कई लोग हैं, बॉलीवुड के पास दाऊद हैं, मतलब दाऊद का हाथ है, आशीर्वाद है, तो बॉलीवुड को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता हमें करना है, हमारा क्या होगा? हाँ, एंटरटेनमेंट के नाम पर आए दिन आप लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे ये चलता है? नहीं चलता है। गुस्ताख है रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। गुस्ताख है श्रीराम की क्या सज़ा है? गुस्ताख है सीता मैया की क्या सज़ा है? गुस्ताख है लक्ष्मी माँ की क्या सज़ा है? गुस्ताख है दुर्गा माँ की क्या सज़ा है? गुस्ताख है शिवलिंग की क्या सज़ा है? गुस्ताख है भगवान राम की क्या सज़ा है? कोई सज़ा नहीं है। क्यों ये नाइंसाफी क्यों? मैं खंडन करती हूँ इन दोहरे मापदंडों का। वंदे मातरम, जय हिंद। कोई सवाल जो विवाद चल रहा है उसको लेकर? जी पूछ लीजिए। देखिए हम सब ने देखा है पठान फिल्म के बेशर्म रंग गाने के दृश्य, और दृश्य देखकर साफ समझ में आ रहा है कि इस गाने को एक दूषित मानसिकता से फिल्माया गया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि ये जो नेक्सस है ये ठीक नहीं है, और ये नेक्सस जो कर रही है ये ठीक नहीं है। दीपिका पादुकोण जो टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक हैं, वो भगवा रंग पहने हुए उत्तेजित डांस कर रही हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उस गाने का नाम तो देखो, गाने का नाम क्या रखा है? बेशर्म रंग। तो क्या मतलब निकाला जाए? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, हर आए दिन आप हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्या यह गलत नहीं है? और हिंदू कब तक सहन करे? अगर यही काम आप किसी दूसरे मजहब के खिलाफ करते, अभी तक आपके नाम के फतवे निकले हो चुके होते। लेकिन क्योंकि सनातन धर्म जीवन का आदर करता है, सर तन से जुदा मानसिकता में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए हम मीडिया के सामने आकर आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया बेशर्म रंग, ये जो गाना आपकी फिल्म में है, इस गाने में से उन दृश्यों को आप हटाएं
जिनमें केसरिया रंग दर्शाया गया है, क्योंकि केसरिया रंग बेशर्म नहीं है। आप इस तरह का टैग नहीं लगा सकते हैं एक पवित्र रंग के लिए, एक ऐसे रंग के लिए जो आस्था, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते कि अरे ये तो संतरे का रंग है, अरे इस रंग पर क्या आपका पेटेंट है। ये रंग हिंदुस्तान में क्या महत्व रखता है ये आपको पता है। जानबूझकर आपने ये दुष्कर्म किया है सुर्खियों में आने के लिए, इस गाने को चर्चित करने के लिए। ये मंशा आपकी साफ नजर आ रही है और लोग समझ रहे हैं जी। देखिए, हमें शाहरुख खान से कोई ज़्यादती रंजिश नहीं है, ना ही पठान के मेकर से। हमारा बस इतना कहना है कि बेशर्म रंग गाने में, जिन दृश्यों में केसरिया रंग को दर्शाया गया है, उन दृश्यों को हटाया जाए, उसके बाद आप बेशक फिल्म रिलीज़ करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस फिल्म का बहिष्कार पूरे भारत देश में होगा। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना हो, इस देश में तनाव पैदा ना हो, बस इसके लिए हम अनुरोध करते हैं आपसे कि कृपया उन दृश्यों को हटाया जाए जो विवादित हैं, जिनमें केसरिया रंग को दर्शाया गया है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।